बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। देखिए, खीर गली में जो है काफ़ी रिहायशी एरिया है जिसमें सटी हुई गलियां हैं और काफ़ी घर आसपास एक साथ लगे हुए हैं। वहां पर एक घर में जो है आग लगी है, उसमें कारण जो है सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है, बट उसमें देखना पड़ेगा कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से है या वो, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी है और यहाँ पर जो है आग को काबू पा लिया गया है। आसपास किसी भी घर में या गली में आग नहीं फैलने पाई है और कोई भी व्यक्ति जो है हताहत नहीं हुआ है। इसमें फायरकर्मी, पुलिसकर्मी और लोकल जनता ने अच्छा काम किया है। जिन्होंने अच्छा कार्य किया उन सभी को मेरे द्वारा प्रशस्ति दी जाएगी। सर, जो आग लग, जो घर है उस घर में नीचे के तल्ले में जो है लोग रहते हैं, ऊपर के तल्ले में इनके जो लेस वगैरह रहते हैं, बटन्स वगैरह जो है बनाते हैं, तो उसमें ये ऊपर की तरफ में रखे हुए थे। वो गोदाम के रूप में इसका उपयोग कर रहे थे कि बढ़ाने के उसमें उपयोग कर रहे थे, वो जाँच का विषय है। उसको जाँच की जाएगी, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ तो जो मेरे घर वालों से बात हुई है, उन्होंने यही बताया कि ऊपर जो है खाना वगैरह ये लोग बना रहे थे तो उसी में कुछ गैस के सिलेंडर में ही कुछ आग लगी थी। बट क्योंकि अभी हमने बुझाई ये आग, तो ये जांच का विषय है कि आग जो है या तो शॉर्ट सर्किट से लगी या सिलेंडर ब्लास्ट किस तरीके से लगी है, वो जांच का विषय है। कंटेन कर लिया गया है, किसी प्रकार की शांति व्यवस्था की कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आग लगी है तो हम लोग पीछे वाले मैदान में थे तो धुआं उठ रहा था, तब बोले चलो आग लगी। तो हम लोग जब आए यहाँ, यहाँ पे हमारे सुराब भाई एक दो लोग और थे, सुराब राइन भाई वो थे और एक दो लोग और थे, हम लोग फिर वो आग बुझा रहे थे। जब हम लोग आए तो यहीं पे नीचे यहाँ पास आग बहुत कायदे से लगी थी, सामने थे, और हम लोग फिर पानी आनी डालने लगे। तो फिर सुराब भाई, हम और सुराब भाई यहाँ खड़े होके जब पानी डाल रहे थे तो तीन सिलेंडर था जिसमें से एक फटा, दो हम लोग ने निकाल दिया। बाकी आग तो बहुत तगड़ी लगी थी, सामान बहुत काफी जला है, घर पूरा एकदम अंदर से एकदम डैमेज हो गया है, कुछ बचा नहीं।